हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट फोर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ी पे, केरल और तमिलनाडु के पास। भारतीय मानक समय ग्रीनविच के पूर्व में किस देशांतर पर स्थित है? 82.5 डिग्री ईस्ट में। रेगूर क्या है? काली मिट्टी को दक्षिण भारत में रेगूर कहा जाता है। भारतीय मानक समय रेखा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस स्थान से स्थानीय समय दर्शाता है? मिर्जापुर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप है। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? काली नदी। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इंदिरा पॉइंट। काली और तिस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालयी भाग है? नेपाली। तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा है? नीलगिरी के दक्षिण में। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? लैंगूर झील है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? गोलकुंडा तट। भारत की कौन सी नदी विंध्या और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है? नर्मदा नदी। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर पाई जाती है? कृष्णा नदी पर। कल्पक्कम और तारापुर क्रमशः स्थित होते हैं। कल्पक्कम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र में। नियाग्रा प्रपात कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। कुंडा परियोजना किस राज्य में से संबंधित है? तमिलनाडु से। बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में है? झारखंड में। संयुक्त राज्य सोवियत संघ की सहायता से लगा था। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। सोवियत संघ की सहायता से ये भी स्थापित किया गया था। तुंगभद्रा परियोजना नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक। टोडा भील गोंड गारो में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी है। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर पाए जाते हैं। भील राजस्थान मध्य प्रदेश इधर पाए जाते हैं। गारो उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश का। हिमालय की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देव घाटी के। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी किस क्षेत्र की कंपनी है? प्राइवेट सेक्टर की है। 1907 में स्थापित की गई थी। बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाना किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? पूर्व सोवियत संघ की सहायता से, जो कि अब रूस के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? आयरन मंडल। दंड कारण योजना कहाँ से स्थित है? छत्तीसगढ़ की। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र से। देवप्रयाग की नदियों का संगम स्थल है? भागीरथी और अलकनंदा के संगम को देवप्रयाग कहते हैं, उत्तराखंड में। पाकिस्तान के समुद्र तट की भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट। मकरान के ही नाम से संगमरमर भी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।